वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान जीके कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित चल रही है, तो आज हम चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट भाग है उनकी हम चर्चा करेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के लिए। दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, क्या एग्ज़ाम तक की जो पीडीएफ फाइल चाहिए, एग्ज़ाम तक की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 8107561363 पर आप करवा सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेके, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप करना होगा कि सर मैंने ये स्क्रीनशॉट देखा है, आपके नंबर ये मिले हैं 8107561363 के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल आपको कॉल के या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो जल्दी से आप करवा सकते हैं। अगर दोस्तों कोऑपरेटिव एक्ट की बुक आपको चाहिए कि कोऑपरेटिव एक्ट की बुक चाहिए, तो 49 रुपये में आपको इसी नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा के उपलब्ध हो जाएगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट बोलना है कि मुझे एक्ट की बुक चाहिए, तो एक्ट लिख के रजिस्ट्रेशन करना है 49। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी तारीख से आप कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, आज़ादी से पहले राजस्थान क्षेत्र का क्या नाम था? तो इसका सही नाम था राजपूताना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो आपके उत्तर है, राजपूताना। सही आंसर क्या? राजपूताना आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान के इतिहासकार की प्रेरणाता किसे कहा जाता है? कर्नल टॉड, हेरोडोटस या जॉर्ज थॉमसन। दोस्तों, ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड। क्या है? कर्नल जेम्स टॉड है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली, अगला देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रयुगीन झननी किसे कहा जाता? ताम्रयुगीन के बारे में पूछा गया। तो दोस्तों, तांबे से संबंधित अगर आपसे पूछे ताम्रयुगीन झननी है, वो आप आहाड़ को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आहाड़ आपका सही आंसर क्या है? आहाड़ को कहा जाता है। और आहाड़ जो आपकी उदयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कालीबंगा है वो आपकी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। चलिए, राजस्थान का वो स्थल जहाँ हड़प्पा के तांबे की वस्तु का, इम्पोर्टेंट है, जहाँ तांबे की वस्तु का आपूर्ति मिली है, वो है आपके दोस्तों चार नंबर प्रश्न है। इसका सही आंसर है आपका गणेश्वर सभ्यता। और जो कहाँ है? सीकर के अंदर। कहाँ है? सीकर के अंदर। लेकिन अगर कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की काल की है, लेकिन इसमें तांबे के अवशेष नहीं मिले, तो इसका सही आंसर क्या है? गणेश्वर सभ्यता है, वो आपका सीकर। और जो कालीबंगा है, वो आपका कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ? हनुमान। तो यहाँ पर जूते हुए खेत के निशान मिले, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल टॉड। चार ऑप्शन है आपके सामने, कर्नल टॉड, और इसका सही है अलेक्जेंडर या फिर जॉन थॉमर। तो जो इसका सही आंसर है जॉर्ज, जो आपके थॉमसन है, ये थॉमसन ही थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन है, वो आपका सही आंसर क्या? जॉर्ज थॉमसन आपका बिल्कुल सही आंसर है। कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास का पिता कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, अजमेर का प्राचीन नाम अजमेरु, नीमच, बीकानेर, जयपुर। तो इसका सही आंसर है बीकानेर नहीं था। कौन नहीं था? बीकानेर आपका सही आंसर है। तो आपको सही आंसर देने का, बीकानेर आपका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, अगर आप जयपुर की बात करते हैं, तो जयपुर के अंदर भी जो 1857 की क्रांति का रहा था, लेकिन बहुत कम प्रभाव रहा था, कम प्रभाव रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो हुई थी आपको 1948, ये ध्यान रखना, 1948 में राजनीतिक तौर पे सबसे पहले मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी, मत्स्य संघ की सबसे पहले स्थापना हुई थी, आपको ध्यान में रखना। और सबसे अंत में आपसे पूछे तो 1956 के अंदर, कब हुई? 1956 है, वो आपका सही आंसर है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान को नाम कब दिया गया था? तो ये सवाल बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया, तो ये दिया गया था भौगोलिक स्वरूप के बारे में पूछा गया, तो
तो 1 नवंबर 1956 है वो आपका सही आंसर है। तो 1 नवंबर 1956 आपका ए बी ऑप्शन है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद कब परिवर्तन किया गया, 1956 में बदल दिया गया था। तो इसका सही आंसर है 1956, और 1956 से पहले राज प्रमुख था। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, और राज प्रमुख का पद आपको 1955 के अंदर समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपको यार राज प्रमुख का जो पद है 1956 के अंदर समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद देखिए एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण निम्न में किस क्षेत्र में शामिल थे। जो 7वां चरण के बारे में पूछा कि 7वां सप्तम चरण में कौन कौन से जो थे, तो इसका जो आपका सही आंसर है अजमेर और आबू। क्या है? अजमेर, मेरवाड़ा और आबू जो सिरोही के अंदर है, आपका दोनों ज्वाइंट रूप से, वो आपको ध्यान में रखना। अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। कौन था? केंद्र शासित प्रदेश भी था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई। राजस्थान सरकार में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, वो 1994 को की गई थी। कब की गई थी? 1994 के अंदर खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों हमारे छोटे छोटे वीडियो आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मानित, देखिए राजस्थान का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कौन सा, अर्जुन पुरस्कार से सामने कौन सा पुरस्कार, सम्मान बराबर सामने समान तो है, वह महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार को राजस्थान का अर्जुन पुरस्कार भी कहा जाता है। राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही बहुत बार सवाल पूछा गया है खेल रत्न के बारे में कि कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो खेल गांव है, एक अगर पूछे खेल गांव जोहर, जोहर ये खेल गांव, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आपका हनुमानगढ़। क्या है? हनुमानगढ़ आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें देखिए दौसा, जयपुर और इसका सही हनुमानगढ़ है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय खेल के बारे में पूछा गया है, वह है बास्केटबॉल। 1949 को अपनाया गया था बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं आप कमेंट जरूर करें। बास्केटबॉल के अंदर जो कुल कितने खिलाड़ी होते हैं वो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो इसका सही आंसर है बास्केटबॉल, आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान में खेलो खेल प्लेयर का विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर है 14 नवंबर 1972 के अंदर। कब हुई थी? 14 नवंबर 1972 के दिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से भारत में हस्तांतरण करने वाली जाति कौन सी थी। पहले जो पंजाब में रहती थी, उसके बाद में राजस्थान में आ गई। तो इसका सही आंसर है सभी ये चारों जातियां हैं पहले पंजाब की निवासी थी, तो आपको ध्यान रखना, और चारों ही राजस्थान के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। किस नदी को ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है जिसमें पवित्र माना गया है, वो आपकी कौन सी है। देखिए सरस्वती नदी, कौन सी नदी? सरस्वती नदी है, और वैसे गंगा भी पवित्र नदी है, लेकिन इसका वर्णन नहीं मिलता है। मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़, मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है, तो हुए किससे है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है निशानेबाजी। क्या है? निशानेबाजी का, या निशानेबाज। राजस्थान में लिंबाराम का संबंध किससे है, बहुत बढ़िया, जो लिंबाराम है तीरंदाजी, लिंबाराम का संबंध किससे, तीरंदाजी से संबंधित है। तो ये करंट के आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो राजस्थान खेल रत्न। कौन सा है? राजस्थान खेल रत्न है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। किसने राजस्थान की गणराज्यों व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया था, संघ, हूण, गुप्त या फिर कुषाण। तो इसका जो सही आंसर है हूण। क्या है? हूण आपका सही आंसर। क्या है? हूण आपका बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वो स्थल जो पशुपालन का प्राचीन जो साक्ष्य मिले, पशुपालन के जो सबसे साक्षी मिले हैं वो बागोर से मिले, पशुपालन बागोर भीलवाड़ा उदयपुर कोटा। चलिए, राजस्थान में अधिकांश भाग में अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? चलिए बताइए, 23 नंबर प्रश्न है वह विराट, जो गुप्त शासन की बात कर रहे हैं, 23 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर है चंद्रगुप्त विराट, ये जो स्थापित किया गया था तो वह चंद्रगुप्त सेकंड, क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान में मत्स्य देश को राजा को महाभारत में युधिष्ठर को और से लड़ने वाला वीर योद्धा कौन था? वो था विराट। कौन था? विराट था। और आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान के राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू ने भाबरू का शिलालेख किससे संबोधित किया जाता है? प्रोताप का दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा वहां से आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नई अपडेट में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।